हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटीपी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है हर्निया। हर्निया बेसिकली एक पैथोलॉजिकल डिजीज़ होती है। तो आज हम इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन कि ये क्या होता है, इसके कंपोजिशन, इसके क्लासिफिकेशन, इसके साइन, सिम्टम, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, सबके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? ए हर्निया इज द प्रोट्रूशंस ऑफ एन ऑर्गन थ्रू इट्स कंटेनिंग वॉल। मतलब कि जो हर्निया है वो उसके जो कंटेनिंग वॉल से कोई भी ऑर्गन, टिश्यू या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स का बाहर निकलना, उस कंटेनिंग वॉल से, उसको ही अपन हर्निया बोलते हैं। इट अकर्स एट साइट ऑफ वीकनेस इन दी वॉल। और ये उस साइट पे होगा जहाँ से जो वॉल है, जो भी कंटेनिंग वॉल है, वहाँ से जब वो वीकनेस होगी उस साइट से, तो उस साइट पे वो ज़्यादा, मतलब कि तुरंत उस ऑर्गन को बाहर निकलने में आसानी होती है। तो मेन ये रीज़न है कि जो वॉल है उसकी वीकनेस की वजह से हर्निया होता है। दिस वीकनेस में भी कंजाइटल अबनॉर्मलिटी और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वीकनेस हो सकती है। यहाँ पे एक ये अपन ने डायग्राम बनाया जिसके अंदर एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जहाँ से उसकी जो कंटेनिंग वॉल में वीकनेस होती है, वहाँ से एक कोई भी ऑर्गन है उसका प्रोट्रूशंस होता है, प्रोट्रूशन होता है, उसे ही अपन हर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि इसके कंपोजिशन ऑफ ए हर्निया, की हर्निया है उसके कंपोजिशन क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर वो पूरी स्ट्रक्चर तैयार होती है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं दी सैक, कि वो सैक होता है, इट इज़ ए डाइवर्टिकुलम ऑफ पेरिटोनियम एंड इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, से मिलकर बना होता है। मतलब पेरिटोनियम जो लेयर होती है वो, और उसके अलावा थ्री पार्ट्स जिसके अंदर कंटेन होते हैं द माउथ, द नेक एंड द बॉडी ऑफ द सैक। इसके अंदर, सैक के अंदर तीन पार्ट होते हैं, द माउथ, द नेक एंड द बॉडी ऑफ द सैक। नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड द कवरिंग, की उसकी जो हर्निया की जो कवरिंग होती है, और थर्ड कंटेंट, किसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं। इसके अंदर इंटेस्टाइन हो सकती है, ओवरी हो सकती है, ये सब इसके अंदर हो सकते हैं। यहाँ हर्निया का स्ट्रक्चर अपन ने दिखाया है, इसमें क्या होता है कि जहाँ से वॉल की वीकनेस होती है वहाँ से वो स्ट्रक्चर होता है, तो वो होता है माउथ ऑफ हर्निया, वो उसका माउथ होता है। उसके बाद जो नेक ऑफ हर्निया, और उसके बाद ये जो बॉडी ऑफ हर्निया, ये हर्निया को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि जो हर्निया है उसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, एक तो एक्सटर्नल हर्निया होगा और एक इंटरनल हर्निया। एक्सटर्नल हर्निया जिसके अंदर मोस्ट कॉमन है इंग्वाइनल हर्निया, नेक्स्ट है फिमोरल हर्निया, और थर्ड है अम्लाइकल हर्निया, ये इसके अंदर एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। उसके अलावा इंटरनल हर्निया भी होते हैं जिसके अंदर इसोफेजियल हर्निया होता है और पैरा इसोफेजियल हर्निया होता है, ये दो मेन है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं हर्निया के, कि हर्निया जब किसी पेशेंट को है तो अपन कैसे चेक करेंगे, कौन से साइन, कौन से सिम्टम्स होंगे जिससे अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को हर्निया है। तो उसके अंदर साइन सिम्टम्स के अंदर सिम्टम्स इंक्लूड ए ब्लग, स्वेलिंग और पेन होता है उसके अंदर। एक ब्लग मतलब एक गुब्बारे जैसी थोड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, स्वेलिंग और पेन होता है। इन सम केसेस देयर आर नो सिम्टम्स, कुछ केसेस में सिम्टम्स नहीं होते, मतलब जैसे वो ज़्यादा, या तो वो इंटरनल होगा तो उसके अंदर अपन को सिम्टम्स बाहर से नहीं दिखेंगे, बट पीपल में एक्सपीरियंस, इसके अलावा लोग इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, पेन एरिया मतलब कि जहाँ पे वो हर्निया होगा उस साइड पे पेन होगा अपन को, इन दी अब्डोमेन, पेल्विक, या फिर जहाँ पे भी हर्निया है पेशेंट को उस साइड पे पेन होगा। पेन का टाइप क्या होगा? कैन बी डल, मतलब कि जो पेन होता है वो डल होता है, ऑल्सो कॉमन। इसके अलावा क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं? अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, या अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, गोरियन डिस्कम्फर्ट और टेंडरनेस होगी उसके अंदर। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि अब इसको डायग्नोस अपन कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, फॉर डायग्नोसिस परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है फर्स्ट में। तो ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन योर डॉक्टर मे फील फॉर ए ब्लग इन योर अब्डोमिनल और गोरियन एरिया दैट गेट लार्जर व्हेन यू स्टैंड अप, कफ और स्ट्रेन की कंडीशन में वो जो हर्निया है या फिर वो जो ब्लग है वो और भी ज़्यादा लार्ज हो जाता है। तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा डॉक्टर इसको चेक करता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर विल ऑल्सो यूज़ इमेजिंग टेस्ट। इसके अलावा वो फिजिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट में, उसके अलावा डायग्नोसिस को बेहतर बनाने के लिए या फिर डायग्नोसिस को एकदम अच्छे से करने के लिए, कि अगर मान लो फिजिकल एग्जामिनेशन में डायग्नोसिस ठीक से नहीं हुआ तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, वो इमेजिंग टेस्ट करते हैं। इमेजिंग टेस्ट लाइक अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, या फिर सीटी स्कैन होगा, या फिर एमआरआई स्कैन होगा, या फिर एंडोस्कोपी की जाएगी, ये सब इसके डायग्नोसिस के लिए होंगे।
नेक्स्ट अपन यूज करते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या होगा, कि डायग्नोस हो गया कि हर्निया है पेशेंट में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे। द ओनली वे टू इफेक्टिवली ट्रीट ए हर्निया इज थ्रू सर्जिकल रिपेयर, मतलब ओनली सर्जरी के द्वारा ही अपन इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, हाउएवर वेदर और नॉट यू नीड सर्जरी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर हर्निया एंड द सीवियरिटी ऑफ योर सिम्टम्स, कि हर्निया है उसका मेन तो ट्रीटमेंट है कि इसको सर्जरी के द्वारा अपन रिपेयर करेंगे। इसके अलावा अगर जो हर्निया का साइज है अगर वो छोटा होगा तो अपन को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर उसके जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो अपन को इमिडिएटली सर्जरी ही करनी होगी। उसके अलावा नेक्स्ट है कि प्रिवेंशन, कि अपन इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए स्टॉप स्मोकिंग, अगर कोई पेशेंट स्मोक करता है तो उसको वो रोकना होगा। मेंटेन ए हेल्दी बॉडी वेट, मतलब कि बॉडी का जो वेट है उस हेल्दी रखना होगा और जो वेट है उसको मेंटेन करना होगा। अवॉइड लिफ्टिंग वेट दैट आर टू हैवी फॉर यू, और ऐसा वेट जो अपने लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही हैवी है जिसको अपन उठा ही नहीं पा रहे हैं, उस वेट को लिफ्ट करने से अपन को अवॉइड करना चाहिए। मतलब उतना ही वेट उठाना चाहिए जितना अपनी बॉडी उठा सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं प्रिवेंशन में। तो आज का ये टॉपिक हर्निया हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल एजुकेशन KTP को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।